इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह सैमसंग JTE 1200i मोबाइल में स्टॉपवॉच का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले मेनू में जाना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशंस में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पे दिखाई देगा स्टॉपवॉच। आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्टॉपवॉच लिखाई दे रहा है। आपको अगर इसे स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है। स्टॉपवॉच शुरू हो गई है। आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं टाइम को। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस बटन को दबाना है। जैसे मुझे 15 सेकंड पे रिकॉर्ड करना है। और भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 20 पर। अब मुझे 25 पे रिकॉर्ड करना है। इस तरह आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉपवॉच को रोकना है तो आप इस बटन पे आपको दबाना है। इस तरह आप रोक सकते हैं। फिर से आप शुरू कर सकते हैं ये बटन दबा के। आप फिर से इसे रोक सकते हैं। अगर आपको इसे रिसेट करना है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रिसेट, आपको ये बटन दबाना है। इस तरह आप रीसेट कर सकते हैं।